सो गुड इवनिंग गाइस, आज हम करते हैं अपने इवनिंग ब्लॉग का आगाज। तो आज हम सोचे हैं कि क्यों ना वी गो टू आउटसाइड कुछ करते हैं, स्पेशली हमें सना के लिए कुछ लेके आना है। और ये है एक नॉट एट ऑल सरप्राइज, बिल्कुल ये मांगा हुई चीज है, मांगी हुई चीज है सना की। बहुत दिनों से मैंने मांगा है मामा से, तो मामा ने कहा चलो आज ले ही लेते हैं। हाँ ठीक है, तो मैंने कहा चलो आज सना को लेके दे ही देते हैं जो ये मांग रही है। तो और क्या मांग रही है ये हम आपको आके दिखाएंगे। तो होप सो जो भी मांग रही है वो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और आकर हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने आज डिनर में क्या लेना है। बहुत सारी रेसिपीज हैं जो दिल करता है आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो डेफिनेटली डे बाय डे हम ज़रूर से शेयर करेंगे। ठीक है जी, फिर आपको मिलते हैं घर से निकलते वक्त और अपने रास्ते पे। ठीक है गाइस, ओके जी, बाय बाय। आप कुछ कहना चाहोगे, कहोगे आप कुछ, कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास चिराटो का? तो गाइस जिसको विजल बहुत पसंद है जी कमेंट करके बताओ, और बताना आज मामा का सूट कैसा लग रहा है, बट दिनों बाद पहना है ना। हाँ यूजुअली मैं सूट पहनती नहीं हूँ, पहनना है। अब सोचो कि मैं साथ में बूट क्यों पहन लिए। ओह माय गॉड, तो मैचिंग है, एक तो मैचिंग है, एंड सेकेंडली बाहर जैसे बारिश हुई थी ना आज, तो गाड़ी से निकल के जाना भी पड़ेगा बाहर, इसलिए तो फिर अच्छा नहीं लगता कि पैर में कुछ लग जाए। गिल्ला विल्ला गाना, ये तो राइट है। अरे बाप रे, ये गाइस सीएम की गाड़ी जा रही है ना, मनोहर लाल खट्टर, तो उनकी ना इंतजार में ना सब पुलिस वाले ना खड़े हुए थे, है ना। मतलब कितना फर्क पड़ता है यार, बड़े इंसान है, बड़ा आदमी है, अनमैरिड है, अनमैरिड है, लड़कियां रिश्ते लेके पहुंचे आपको भी वैसी इज्जत दी जाएगी, है ना। तो गाइस अभी हम रस्ते में, आप देख सकते हैं शाम हो रही है, कितनी प्यारी व्यू लग रहा है, ऑरेंज स्काई। तो अभी हम जा रहे हैं जी, जाके आपको हम सीधे शॉप पे मिलते हैं, आपको शॉप पे जाते हैं, वो देखो बादल कितने प्यारे हैं, शॉप पे मिलते हैं आपको। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सेक्टर, कौन सेक्टर है, सेक्टर 22 पहुंच चुके हैं। यार एसी से निकलूं तो आज चश्मे के ऊपर वो जाता है। चलो अभी चलते हैं, सामने हम जा रहे हैं तनेजा पे, ओके। सो गाइस अभी चलते हैं। अरे बहुत सारे मैंने ब्लॉगर देखे पीछे से वो करते हैं शूट, मतलब जो पिछला कैमरा होता है उस, मतलब मुझे नहीं पसंद है फ्रंट से करते। तो गाइस हम लेने आए हैं जी एसी कोयल, क्योंकि मेरा कोयल खराब हो गया, ना पिंक है शायद, हाँ पिंक कलर का, पिंक कलर हाँ, नहीं नहीं पिंक ही चाहिए, यस। सो गाइस हमने ये वाला पसंद किया है, और हम सिर्फ क्विल्ट लेने आए थे लेकिन हमें पूरा सेट मिल गया है ना मामा। तो आज तो मेरे मज्जे हो गए, वापसी का देखिए मंजर, ये बड़ी प्यारा सीन लग रहा था, हमने सोचा चलो रिकॉर्ड कर ले, आप साथ शेयर कर लें, खाली खाली सड़कें है ना। ये कौन सेक्टर है, सेक्टर 17 सेक्टर, बड़ा फेमस सेक्टर है, पंजाब के गानों में इसका नाम आता था, सुनना आप लोग भी, सुनना हार्ट ऑफ चंडीगढ़ बोलते थे, और हार्ट में जरा अभी ट्राइग्लिसराइड आ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड आ गया, हाँ एलडीएल बढ़ गया, ये उतना नहीं रहा, उतना नहीं रहा, पर चलो ठीक है, चलता है यार। वैसे भी बहुत ज़्यादा पंजाब की, जिनको पता है लोग जो तो बाहर चले जाते हैं ना,
तो यहाँ पे इसलिए इतना रश नहीं है। ये क्या लॉजिक हुआ? पंजाब से बहुत लोग वहाँ भी तो जाते हैं। वहाँ से आ भी जाते, फिर यहाँ से दिल्ली जाते, दिल्ली से बाहर चले जाते, रश कम हो रहा है। चलो कोई ना, तो अब देखो यार, अब मंजर को इंजॉय करो, ना क्या लेना देना कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। हम आपको स्पीड लिमिट का बोर्ड दिखाएंगे, तो यहाँ पे सबको ना तमीज से स्पीड में चलना पड़ता है। ये देखो, ये हमारी है 33, ये अपनी 33 है इस वक्त, तो सही है ना। अच्छा यार, सिटी बहुत प्यारी है हमारी। यहाँ तो पेड़ कर चुके हैं सभी। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। आगे का बस स्टॉप आएगा नया, अभी आगे देखना बस स्टॉप, ये साइड में जी। और म्यूजियम भी है यहाँ पे। अभी मौसम अच्छा रहेगा ना गाइस, हम आपको दिखा के लाएंगे किसी दिन म्यूजियम। ऑल्दो मैं गई हुई हूँ, ऐसा है नहीं पास, लेकिन वहाँ पे ना कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, बट ऑल्दो फिर भी चलेंगे एक बार, देख के आएंगे क्या सीन है। ये बस स्टॉप आने वाला, आगे आगे आएगा जी, बस स्टॉप, नया बस स्टॉप, ये जहाँ लाइट है, ये बहुत प्यारी। देखो राइट को भी बस बस अभी क्या। तो गाइस ये रास्ता है, अभी आ गया चार सेक्टर, चार सेक्टर में सेक्ट्रिएट, और फिर अपने घर पहुंच जाएंगे। एड्रेस हम नहीं देंगे और ना आपको इंटरेस्ट है अभी, तो फिर क्या ही करोगे यार, यहीं तक हमारा रहना चाहिए। सेक्ट्रिएट तक हम बस आपको बताएंगे, हम सेक्ट्रिएट पहुंच के आगे हिसाब लगा लेना। ये तो वो भी सेक्ट्रिएट के पास में जाते हाँ। हम दिखाएंगे हरियाणा सीएम रेजिडेंस, और भी जो आए थे ना जिनके लिए सब वेट कर रहे थे, उनका घर है। सो गाइस वेलकम अगेन, आज मैं कुछ खास बनाने जा रही थी, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे है जी, मैंने ये पालक काट के रखी है, और ये है दाल, ये दाल है साबुत मूंगी की दाल। तो मैंने कहा कि ये कुछ हेल्दी डिशेस जो होती हैं बड़ी जरूरी होती है हमारे लिए, तो अभी इस दाल में भी ऐसा कुछ नहीं भी मैंने डाला, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी पालक। और ये दाल तो ऐसे ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो पर इसको मैं अभी पालक डाल के इसको एक दो विसल और लगवाऊंगी, और उसके बाद जो मैं करूंगी इसको इसके थोड़ा सा तड़के का इंतजाम, क्योंकि इसमें थोड़ा तड़का लग जाएगा, प्याज हाँ देसी घी का तड़का लग जाएगा ना, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, तो जी फिर मैं आपको फिर मिलती हूँ इसके फाइनल लुक के साथ। तड़के क्यों रो रही हो बेटे? हाँ शी इज क्राइंग यार, शी इज क्राइंग। क्या हो गया बेटी? सो गाइस हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। सॉरी मैं तड़के वाला आपको दिखाना भूल गई थी, पर मैंने ये किया था कि इसमें देसी घी में छोटे छोटे प्याज काट के डाले, और लहसुन अदरक हरी मिर्च ये डाली, टमाटर डाले दो, और फिर उसके बाद इसमें जो मसाले आम मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च ये डाली है, तो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप लुक वाइज भी देख सकते हो कि कहने को आने दिया गल्ला है, बहुत ही बढ़िया बनी है हमारी पंजाबी में। तो अभी जब डिनर के टाइम पे फिर देखते हैं आपको दिखाते हैं इसका जलवा। और ये मेरा बेबी है जो बहुत ऑफेंड हो चुकी है, इनको बाहर नहीं लेके विसल निकाल लिया खाना। ये देखो इन्होंने क्या किया, सारा गंदा कर दिया। चलो कोई ना, मेरा बच्चे है, मेरा बच्चे कुछ भी कर सकता है। ये मेरा डिफ्यूजर चल रहा है जिसमें पानी खत्म होने वाला है, रिफिल कर देते। सबसे बुरी बात नहीं फिर फिल है यार डिफ्यूजर की, सबसे बुरी बात ये रहती है पानी भरना पड़ता है यार, ये क्या मजाक है ना अम्मा। तो ये रात का हमारा मंजर है हॉल का, और यहाँ चल रहा जी हैप्पी जॉइंट फैमिली, जो कि हम बहुत ज्यादा देखते हैं ना, हमने इन्हीं से स्टार्ट किया था ना। सही बात, इन्हीं से स्टार्ट किया था हमने। अच्छे होते हैं इनके ब्लॉग, हाँ अच्छे होते हैं। देखो जी बात ये, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट्स हैं इनके, और जब इंसान मेहनत करता है तो खुदा ज़रूर उसका असर देखता है।
आमीन आमीन। तो बस यही है, इन लोगों को हम अप्रिशिएट करें जी। बिल्कुल, चलो अभी हम इंजॉय कर ले अपना, अपना अपना इंजॉय करो, फिर मिलते हैं।